हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। गाइस, ये है IPv6 का चैप्टर नंबर 3, मेकिंग IPv6 एड्रेस शॉर्ट। तो हम इसमें इस चैप्टर में ये फोकस करेंगे कि किस तरह से हम एक IPv6 के एड्रेस को की रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, हमने एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था IPv6 का, कि IPv6 एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों ज़रूरत है IPv6 की। लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 में हमने उसका IPv6 का फॉर्मेट देखा था। हमने ये देखा था कि IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स का होता है और इसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि ये 128 बिट्स का ये IPv6 का एड्रेस है, तो इसे कैसे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो गाइस, अगर आपने दो चैप्टर्स नहीं देखे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, तो आई विल रिकमेंड कि गाइस एक बार आप ये दोनों चैप्टर्स से एक बार ये दोनों चैप्टर्स देख लो। ये दोनों चैप्टर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके रख दूंगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो आ जाते हैं मेन पॉइंट पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट इज आप किस तरह से IPv6 के एड्रेस को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा एड्रेस दिख रहा है आपको, राइट? तो इसको शॉर्ट करने के गाइस दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि लीडिंग जीरोस कैन बी डिस्कार्डेड। तो जितने भी लीडिंग जीरोस हैं हम उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो जैसे ये 2001 है, तो मैं इसको 2001 लिख सकता हूं कोलन, और यहां पे आप देखो ये लीडिंग जीरो है, उसके बाद ये भी एक लीडिंग जीरो है, फिर ये लीडिंग जीरो है और ये एक लास्ट का जीरो है। तो मैं इन तीन लीडिंग जीरोस को डिस्कार्ड करके सिर्फ एक जीरो लिख सकता हूं। सिमिलरली इसके साथ ये तीन डिस्कार्ड कर सकता हूं और एक जीरो लिख सकता हूं। ये तीन डिस्कार्ड करके, तीन लीडिंग जीरो डिस्कार्ड करके ये एक जीरो लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी गाइज ये लीडिंग जीरो को मैं डिस्कार्ड करके सिर्फ 614 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे द सेम केस, इसको जीरो लिख सकता हूँ, आगे भी जीरो लिख सकता हूँ। यह है BD80 का, इसमें इस जीरो को डिस्कार्ड नहीं कर सकता बिकॉज ये लीडिंग जीरो नहीं है। तो इसे तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, दैट इज BD80। तो ये है रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 से हमने इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया। रूल नंबर 2 भी है। रूल नंबर 2 कहता है कि वी कैन रिप्लेस कंसेक्यूटिव 2 और मोर ब्लॉक्स कंटेनिंग 0 बाय डबल कोलन। मतलब हम कंसेक्यूटिव अगर 2 या 2 से ज्यादा 0 के ब्लॉक्स अगर आ रहे हैं तो हम उसे डबल कोलन से रिप्लेस कर सकते हैं, बट वी कैन डू इट ओनली वंस। उसका मतलब क्या है? जैसे अभी ये कंसेक्यूटिव 0 के ब्लॉक्स है, राइट? तो इन्हें मैं डबल कोलन से रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे 2001, ये डबल कोलन डाला मैंने, और फिर बोलते 614 00 BD80। लेकिन गाइस आप देख रहे हैं यहां पे भी कंसेक्यूटिव जीरोस है, ठीक है? लेकिन कंसेक्यूटिव जीरोस को मैं डबल कोलन से रिप्लेस कर सकता हूं ओनली वंस। सो इसके लिए मैंने यहां पे सिर्फ एक ही बार कर सकता हूं। आइदर मैं यहां पे कर सकता था या फिर मैं यहां पे भी कर सकता था, लेकिन एक ही बार मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूं। कंसेक्यूटिव जीरोस के ब्लॉक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय डबल कोलन। तो गाइज ये दो रूल्स है जो हमें हेल्प करते हैं कि एक IPv6 के बहुत बड़े एड्रेस को हम एक छोटे फॉर्मेट में लिख सके, ताकि हम जब भी कॉन्फ़िगर करें IPv6 तो थोड़ा इजी जाता है IPv6 को कॉन्फ़िगर करना। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में यहीं पर रुक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम IPv6 के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट वगैरह क्या होता है। फिर यूनिकास्ट पे फोकस करेंगे, यूनिकास्ट के क्या टाइप्स होते हैं, तो वो सब हम अगले वीडियोस में करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता वीडियो, उसके लिए मैंने आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल एक एग्जांपल दिया। आप ये दो रूल्स याद रखिए, आप IPv6 को शॉर्ट कर सकते हो। तो गाइस यहीं पर रुकता हूँ फाइनली, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।